जय हिंद। राम राम सारे भाइयों ने। भाई दोस्तों, आज मैं आपसे जो बात शेयर करूँ हुआ भाई की कई भैया बुझ जी भी है मेरे ते। अब भाई साहब, हम कैचुए क्यूकर डबल करा, कैचुए की तादाद ज़्यादा कैसे करा? देखो भाई, सब तो पहली बात है, यह एक प्राकृतिक चीज़ है। ये पैसे से या मतलब कोई मशीन से ये डबल तो हो नहीं, ये तो प्राकृतिक है। अपने टाइम पे ये बड्डे होंगे, अपने टाइम पे वो जो हरियोनी का हर चीज का वो है। फिर भी एक न्यू है कि भाई थोड़ा सा न्यू का अगर एक बालक जिन बढ़िया खुराक हो तो वो 14 साल का ही साला गण लाग जिन 18 साल का आज ब्याह कर ले भाई, है ना। वह कहानी हर जीव के लिए है। तो यो मल्टीप्लाई तो अपने टाइम पे होंगे, फिर भी न्यू है कि अच्छे क्वालिटी और गुणवत्ता उनकी कैसे बढ़ाए, है ना। उसका तरीका ज़रूर है, पर बाकी ऐसा इस दुनिया में कोई मतलब आविष्कार शस्त्र या कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं जो इन टाइम तो पहले आप समझो एक प्राकृतिक चीज़ है भाई, है ना। ये मल्टीप्लाई इतनी जल्दी ना हो, होंगे अपने टाइम पे, लेकिन क्वांटिटी कैसे बढ़ जाएगी कि भाई एक आपने बेरा एक स्वस्थ कोई भी जीव जब अंडे दे है तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी। नॉर्मल जब आप उनका खान पान और उन चीज़ दोगे तो वो नॉर्मल रिजल्ट देगा, और जब उसका खान पान आप अच्छा कर दोगे तो न्यू है जो वो भैंस ना हम अच्छा बढ़िया गिर दिया, हाँ बिंदोले बेंदोले ये वेलो तो दूध हुआ 12 किलो वाले भी, 14 किलो, 15 किलो, 16 किलो भी पहुँच गया है। तो वो हिसाब इनका कि इनकी खुराक बढ़ा कर ना थोड़ा सा इनकी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बना कर तो उससे हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाए कि भाई एक अंडे में तो दो की जगह तीन मिल जाएंगे, चार मिलने लग जाएंगे, एक अंडे में तो एक ना मिल जाएगा कैचुआ। तो उसका सरल और सिंपल तरीका है वो, मैं सरल और सिंपल बहुत तरीका हमारे शास्त्रा में ग्रंथा में हमारे बड़े बूढ़े भी कराया करते, बहुत सरल तरीका है। कति खर्चा तो इसमें कुछ है नहीं, एक गुड़ आओ है, गुड़ का खर्चा हो है और क्या है खर्चा नहीं, शीत पानी लस्सी ये तो आपने बेरा गाँव में मुँह भी मिल गया है, और वह भी बासी चाहिए, जितनी बासी हो उतनी बढ़िया, 10 दिन 15 दिन पुरानी हो तो और बहुत बढ़िया, है ना। एक ड्रम में 201 लीटर पानी भर लियो, 2 किलो गुड़ गेर लियो मैं, 2 किलो भाई है कोई भी दाल दूल का जो चून हो अगर आटा मतलब बेसन जैसे, है ना, पिसी हुई दाल मतलब आटे की तरिया कोई भी दाल हो जो, और ना बेसन जो दाल ना समझता तो भी चने का जो बेसन हो पिसा हुआ आटा वो 2 किलो वो, और 200 किलो ड्रम में अरवा लस्सी छाछ, है ना, 2-1 लीटर वाह, 5 लीटर गेर लो कोई दिक्कत ना है, 5 लीटर एक वाह गेर लो, 10 लीटर गेर लो जब भी कोई दिक्कत, लस्सी का ऐसा कोई वो रोल ना है, बस गुड़ और ये थोड़े थोड़े 2-2 किलो गेड़ हैं 200 किलो पानी, ठीक है भाइयों। और उसने 2-3 दिन रखो उस ड्राम में, उस डंडे तक हिलाई जाओ, 4-5 दिन पाछे उसने जो वो न्यू गेरण का होया अगर छिड़काव करे यार गार्डन में पेड़ पौधे में पानी दिया अगर वो जग सा फुहारा से लेकर डाया करो उम भर के ना, और हफ्ते में 2 या 3 बार ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 बार जब आप न्यू पानी देने का जब नंबर आओ मतलब कहने का है उससे पहले एक बार वो मार दे न्यू उस भर के ना, एक बेड पे एक मार दे न्यू सारे बेड आप वो मार दो और फिर पानी दे दो, तो उनने कहे कि वो फीड मिल जाएगी, वह उनकी खुराक हो जाएगी और पानी आप दोगे तो उससे कहे कि जनसंख्या थोड़ी इनकी ज़्यादा और जल्दी बढ़ने लग जाए। बहुत सिंपल और सरल तरीका भाइयों, और बाकी कहें चक्कर में मत पड़ियो, नहीं तो ये घनी चीज़ खाओगे तो मर जाएंगे, क्योंकि देखो हमने आप तो बताया ही है ब्रिड ऐसी है जो कि यही चीज़ खा है गंद, इसने आप गली और सब्जियों के पत्ते खवा दो वह गेर लो, नीम के पत्ते गेर लो, बड़ के पत्ते गेर लो, क्या है कि पेड़ पौधे के जो जहरीले ना हो कुछ भी गेर लो आप इन्हें वह तो ये खा लेंगे, पर और खुराक ना कि भाई कोई केमिकल या दवाई के चक्कर में पड़ के नहीं सोचा कि भाई अगर इसने हम गेरेंगे तो ये दुगने तिगने हो जाएंगे, इसे चक्कर में मरना पड़े भाई, करना है तो यो तरीका सब तो सिंपल और सरल है। 2 किलो फिर बताऊँ, 2 किलो पानी, 200 किलो पानी, 200 लीटर 2 किलो गुड़ और 2 किलो वो जो बेसन, और उसमें 5-10 लीटर की लस्सी छाछ, 10-15 दिन पुरानी हो, 5 दिन तक कम से कम पुरानी हो तो बहुत बढ़िया, पुरानी चाहे जितनी भी हो, बस उसमें 4-5 दिन न्यू डंडे तक लाए जाइयो और फिर उन्हें भर भर के गेरी जाइयो, इतने जब वो थोड़ा सा रह जा 15-20 लीटर
उसमें फिर पानी भर दो, छाछ गेर दो, फिर गुड़ गेर दो, तो ना 200 लीटर भर के ना फिर तैयार हो जाएगा। यो एक सिंपल तरीका, पर उस ये इस बात ने ध्यान रखो भाई, मैंने सुना है जो लोगों ने यो करा है कैचवे बढ़ाने के चक्कर में, उनके खाद की गुणवत्ता जो है थोड़ी सी रिचनेस कम हो जाए है, क्योंकि वे फिर खान पर ध्यान दे हैं और उस पर ध्यान कम दे हैं। ऐसा कुछ भाई मन बेरा नहीं है, पर मैंने सुना है, क्योंकि लैब वैब में मारे भी कई यार दोस्त हैं जो ये टेस्ट वेस्ट करा कर, तो इस मारी अगर कैचवे मल्टीप्लाई करने हैं तो उन्हें अपने इन बेडा की बजाय उनका एक अलग बढ़ा लो, एक दो बेड सेपरेट जिसमें आपने सिर्फ कैचवे करने हैं मल्टीप्लाई, है ना, वरना तो खाद की गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है भाई साहब। मेन इंपॉर्टेंट बात यह आई थी। राम राम, जय हिंद।